अगर वैश्विक राजनीति को समझना है तो आपको अपने क्षेत्र की राजनीति की समझ होनी चाहिए। जिस तरह से किसी क्षेत्र में एक नेता अपने प्रतिद्वंद्वी से राजनीति के किसी भी खेल में हारना नहीं चाहता है, वैसे ही वैश्विक स्तर पर भी एक देश का नेता दूसरे देश से अधिक पैठ बनाने की जुगत में रहता है, और जब वह किसी दूसरे से हार जाता है तो वह उससे घृणा करने लगता है। यही हाल आजकल चीन के राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग का भारत के पीएम मोदी के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक स्तर पर उदय के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के वैश्विक और एशिया के सबसे बड़े नेता बनने के सपने को गहरा धक्का लगा है। आज हमें शी जिनपिंग का भारत के प्रति जो रवैया देखने को मिल रहा है, वो पीएम मोदी के से हार से हुई पैदा हुई व्यक्तिगत घृणा है। शी जिनपिंग की ये घृणा तब पैदा हुई थी जब वर्ष 2017 में भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान एक कदम भी पीछे हटाने से मना कर दिया था। तब पीएलए को पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा था। पीएम मोदी ने जिस तरह से चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के दबाव में बिना झुके उसे पीछे हटने पर विवश किया था, उससे उनकी मजबूत नेता की छवि और मजबूत हो गई थी। विश्व में ये सभी को पता चल गया था कि अब भारत की सत्ता एक ऐसे नेता के हाथों में है जो चीन को उसी की भाषा में जवाब देने से पीछे कदापि नहीं हटेगा। डोकलाम स्टैंड ऑफ भारत की विदेश और रक्षा नीति में एक अहम मोड़ था जहां से भारत की दृढ़ता विश्व के सामने आई। इससे शी जिनपिंग के विस्तारवादी नीति को ऐसा झटका लगा कि वे आज तक उससे उबर नहीं पाए हैं। जब भारत ने डोकलाम में चीन की आंखों में आंखें डालकर पीछे हटने पर मजबूर किया था, तब भारत ने अपना स्टैंड साफ करते हुए ये संदेश दिया था कि भारत भी एशिया का एक बड़ा हिस्सेदार है और वह किसी भी मुद्दे पर किसी और की मनमानी नहीं चलने देगा। इसके बाद जब शी जिनपिंग ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI के जरिए भारत को लुभाने की कोशिश की थी, तब भी भारत ने चीन को साफ मना कर दिया। और तब पीएम मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि किसी भी मेगा कनेक्टिविटी परियोजना को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी शुरू से ही शी जिनपिंग की दूसरे देशों को हड़पने की योजना को समझते थे और BRI भी शी जिनपिंग के उसी प्लान का हिस्सा था, परंतु भारत ने चीन को वापस आईना दिखाकर इस प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया था। 2017 के डोकलाम के बाद पीएम मोदी सिर्फ वैश्विक स्तर ही नहीं बल्कि चीन में भी लोकप्रिय हो गए, जो शी जिनपिंग के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। इसके बाद उनके मन में पीएम मोदी के लिए घृणा बढ़ती गई। वर्ष 2018 में पेकिंग विश्वविद्यालय के शिक्षाविद प्रोफेसर वैंग डोंग ने कहा था, मेरे अनुसार पीएम मोदी एक सीक्रेट सुपरस्टार नहीं बल्कि वह खुद सुपरस्टार है। वे भारत के सबसे मजबूत और प्रभावी नेताओं में से एक हैं। आज पीएम मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और 135 करोड़ की जनता के नेता के तौर पर उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार ये साबित भी किया है। इस तरह से वैश्विक लोकप्रियता वाला नेता शायद ही आज के जमाने में मिलेगा। वहीं शी जिनपिंग की बात करें तो उनकी लोकप्रियता सिर्फ विश्व ही नहीं बल्कि चीन में भी घट चुकी है। यही कारण है कि शी जिनपिंग की नफरत पीएम मोदी के लिए बढ़ती जा रही है और वे किसी भी तरह से पीएम मोदी की लोकप्रियता को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी बॉर्डर पर तनाव बढ़ाकर तो कभी पाकिस्तान से UNHRC में भारत के खिलाफ बयान दिलवाकर, परंतु हर बार पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के चालों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और उन्होंने बताया है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। पीएम मोदी ने अपना स्टैंड किसी भी मुद्दे पर एकदम स्पष्ट रखा है, चाहे वो बॉर्डर का हो या फिर BRI का हो या फिर RCEP का ही क्यों ना हो। भारत के इसी स्टैंड से शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा को एक के बाद एक कई झटके लगे हैं, जिससे उनके मन में पीएम मोदी के लिए इतनी घृणा बढ़ चुकी है कि वे अब बॉर्डर पर कायरतापूर्ण हमले करवाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अपने क्लियर स्टैंड से पीएम मोदी को चीन में भी एक मजबूत नेता बना दिया गया और शी जिनपिंग इससे हताहत हो चुके हैं। इस कदर हताहत हुए हैं कि उन्होंने चीन में अपने प्रतिद्वंदियों को भी कैद करना शुरू कर दिया। शी जिनपिंग चीन के संविधान में बदलाव कर अपने आप को माओ से भी बड़े नेता के रूप में स्थापित करने का सपना देख रहे थे। उसी क्रम में उन्होंने अपनी ही पार्टी के सुन जेंकाई को कैद करवा लिया,
जिससे उनके पद को किसी प्रकार का खतरा ना हो। लेकिन वुहान वायरस महामारी की वजह से सीसीपी में फिर से दरार पड़ चुकी है और शी के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी विरोध को दबाने के लिए और राष्ट्रवाद को फिर से ऊपर लाने के लिए शी जिनपिंग ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ बॉर्डर पर तनाव बढ़ाने की कोशिश की, पर फिर से उन्हें पीएम मोदी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। शी जिनपिंग के मन में पीएम मोदी के लिए इस प्रकार से घृणा और डर दोनों बैठ चुका है कि वे पीएम मोदी के भाषण और वेबसाइट को भी चीन में बैन करवा चुके हैं। इससे देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यही व्यक्तिगत घृणा चीन के पतन की कहानी का कारण बनेगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।